अब हम अगला गुणधर्म देखते हैं। अगला गुणधर्म जो हमें सूत्र देता है वो सूत्र क्या है? अब हमारे पास सूत्र आता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर। यह हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को। और अगर हम लिखें कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को हम लिखते हैं साइन इनवर्स, अब हम यहां पर जहां प्लस है वहां पर लगा देंगे माइनस, हमारे पास आ जाते हैं दो सूत्र, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए और एक साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए। तो अब ये देखते हैं कि इन दोनों में से एक सूत्र को किस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। इस सूत्र को हम सिद्ध करके देखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले को। इसको सिद्ध करने के लिए हम ले लेते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर है ए के और साइन इनवर्स वाई बराबर है बी के। अब जैसा कि हमें पता है कि चूंकि साइन ए प्लस बी, चूंकि साइन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी को। अब यहां पर हम मान रख देते हैं कि अगर हम साइन ए को लिख दें एक्स, साइन ए को हम लिखते हैं एक्स, और ये है कॉस बी, यहां पर हमारे पास साइन बी आ सकता है, साइन बी बराबर वाई आ सकता है, तो कॉस बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी ऐसा लिख लेते हैं, हम इसको पूरा भी नहीं करते हैं, केवल इसको लिख लेते हैं कि कॉस बी को हम अंडर रूट एक माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम कॉस ए को अंडर रूट एक माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और इस साइन बी की जगह पर हम वाई लिख लेते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स वाई को अगर हमने बी माना है तो इसका मतलब साइन बी की जगह हम वाई लिख पाएंगे। यहां से हमें मिल जाएगा एक्स अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये वाई लिख देते हैं और अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये चल रहा है हमारे पास साइन ए प्लस बी। तो अब हम क्या करें कि दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, इधर बचेगा केवल ए प्लस बी, ये इस साइन ए प्लस बी है इसका साइन इनवर्स करेंगे तो इधर आ जाएगा केवल ए प्लस बी, और उधर भी साइन इनवर्स करेंगे तो इसके साथ में आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम a और b के मान रख देते हैं, जैसा कि हमने मान रखा है a बराबर है साइन इनवर्स x और b बराबर है साइन इनवर्स y, ये बराबर आ गया साइन इनवर्स x अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर के। ये सूत्र हमें सिद्ध करना था, इस तरीके से हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला सूत्र भी सिद्ध कर सकते हैं। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं इस गुणधर्म पर आधारित, तो इस गुणधर्म पर आधारित उदाहरण है कि साइन इनवर्स 8 बटे 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5।
ये बराबर हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स 77/85 के। ये हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर है साइन इनवर्स 77/85 के। तो हम क्या करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, इन दोनों को लेते हैं यहां पर कि साइन इनवर्स, यहां पर जो हमें दिख रहा है साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5, बिल्कुल वही सूत्र साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला सूत्र लग सकता है यहां पर। और जैसा कि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x² के। तो यहां पर हम मान रखते हैं कि इस तरीके से साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर हम रखेंगे 8/17, तो ये हो जाएगा 8/17 अंडर रूट 1 - y की जगह पर है 3/5, तो 1 - 9/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 - 8² हम लिख देते हैं यहाँ पे 64, और हमारे पास आ जाएगा ये 17 का भी हमें ले लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएगा 25 लघुत्तम में, तो ऊपर जाएगा ये 25 - 9 हो जाएगा 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा ये 5, तो 8/17 × 4/5 ये हो गया साइन इनवर्स 8/17 × इसका हम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/5 प्लस 3/5 इधर यहाँ पे 289 यानी कि 17 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर यहाँ पे लघुत्तम में आ जाएगा, लघुत्तम आने के बाद 289 - 64 हम करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 225 का अंडर रूट आ जाएगा 15, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 15/17, इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाता है यहाँ पे 5 + 15 ये कट जाएगा, तो अब हमारे को इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा ये साइन इनवर्स 77/85 बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमें यहाँ सिद्ध करना था, बस हम अपना सूत्र लगाए इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बस अगर हमें ये सूत्र याद है तो सूत्र की सहायता से ये बाकी पूरी चीज हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को सिद्ध करो कि ये बराबर होगा साइन इनवर्स 56/65 के। ये हमें सिद्ध करना है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहां ये कॉस में आ चुका है, तो हमारे पास अब इसको साइन में लाना जरूरी हो जाएगा क्योंकि बिना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के हम सूत्र नहीं लगा सकते, यहां तो ये कॉस आ गया तो इसको बदलना पड़ेगा। अब वो हम कैसे बदलेंगे ये देखते हैं, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि ये हमें दिख रहा है कॉस इनवर्स 12/13, इन चीजों से हम बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, जैसे कि यदि आपको दिया हुआ हो कि साइन थीटा या कॉस थीटा बराबर है 3/5 के, तो आप बाकी के साथ 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लेते हैं। वो कैसे याद करते हैं, वो हम याद करते हैं एक समकोण त्रिभुज को सोचकर, एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं और अगर हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है यानी कि हमारे पास लंब दिया होगा, कर्ण तो अपने कर्ण और लंब दोनों आ जाएंगे, आधार निकाल लेंगे, वही चीज यहां पर भी लगती है। वो कैसे लग सकती है, इसको देखिए कि अगर मैं इसको लिखूं थीटा, कॉस इनवर्स बराबर हमने लिख दिया इसको 12/13 बराबर थीटा, तो ये आ जाता है कि 12/13 बराबर दोनों तरफ कॉस लेते हैं अगर हम, तो कॉस और कॉस इनवर्स तो खत्म हो जाएंगे और इधर आ जाएगा कॉस थीटा, तो 12/13 बराबर आ गया कॉस थीटा, और जैसा कि हमें पता है
इससे हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण अगर है कॉस थीटा, तो आधार आ गया 12 और कर्ण आ गया 13। आधार है 12, कर्ण है 13, तो हम निकाल सकते हैं इससे लंब, और इससे हमारे पास जो लंब है वो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं कि अतः एल यानी कि लंब, लंब बराबर आ जाएगा 5, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए हम यहाँ पे लंब निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 5। इस प्रकार से ध्यान रखें कि आप जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है अगर एक भी पता है तो आप बाकी के कैसे याद करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप वही आधार बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण का सूत्र में ले जाइए और फिर संपूर्ण त्रिभुज को सोचते हुए बाकी के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रतिलोम ज्ञात कर लीजिए। तो ये हमारे पास लंब आ गया। अब इससे हम साइन इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं? अब जैसा कि हमें बताया कि चूंकि यहां हम लिखें कि हमें ये आ रहा है कितना, यहां पर ये आधार बटे कर्ण था, कॉस इनवर्स के साथ क्या आ रहा है आधार बटे कर्ण, और हमें पता है कि साइन के साथ क्या आना चाहिए लंब बटे कर्ण। तो साइन इनवर्स और लंब बटे कर्ण, लंब कितना आया है 5 और कर्ण कितना है 13, तो साइन इनवर्स हो गया ये 5/13, यानी कि हम ये कह सकते हैं कॉस इनवर्स 12/13 बराबर है साइन इनवर्स 5/13। आपने इससे लंब ज्ञात किया और इससे लंब ज्ञात करके आप निकाल रहे कि साइन इनवर्स 5/13 बराबर है कॉस इनवर्स 12/13 के। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स 12/13 की जगह पर साइन इनवर्स 5/13 रख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं अब कि अतः लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्रश्न की है हमारे पास वो क्या बन जाएगी कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 हमारे पास आ गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र दिख रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र यहां पर हम लगा देते हैं और इस सूत्र को लगाने पर ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1-5/13 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स का सूत्र। अब हम इसके आगे देखें कि इसके आगे हम इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर लघुत्तम, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25-9 फिर से 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वायर 4/5, तो 5/13 × 4/5 ये हो गया 5/13 × 4/5 प्लस यहां करते हैं 3/5 × 5/13 का स्क्वायर, 5/13 का स्क्वायर में लेते हैं तो 13 का स्क्वायर आगे लघुत्तम में यानी कि 169 लघुत्तम में, 169 माइनस 25 144, तो ये बचेगा 12/13, ये आ गया 12/13। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर 5 से ये 5 कट जाएगा, इधर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स 4/13 प्लस 12/36 और 65, 13 और 65 का लघुत्तम आएगा 65, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65 बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें यहां सिद्ध करना था। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि कभी अगर सूत्र नहीं लग पाए किसी त्रिकोणमिति अनुपात की अनुपस्थिति में तो आप क्या करें कि पहले वाला जो त्रिकोणमिति अनुपात दिया हुआ है उसको दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात में बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं, बिल्कुल पहले जब हमने साइन थीटा को अगर दिया हुआ हो तो बाकी के कॉस से कॉस से टेन सब ज्ञात कर लेते हैं, उसी तरीके से अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स दिया हुआ हो तो भी आप साइन इनवर्स या दूसरे बाकी के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही देखना है लाल बटे कक्का कि अगर कॉस के साथ दिया हुआ है तो ये आधार बटे कर्ण होगा, ये आधार बटे कर्ण था तो हमने लंब निकाला और फिर हमें पता है कि साइन के साथ होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन इनवर्स बराबर लंब बटे कर्ण कर दिया। इससे हमारे पास आया कि साइन इनवर्स 5/13 बराबर है कॉस इनवर्स 12/13 के,
ये हमने वहां रखा तो हमारे पास आ गया कि साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 और अब हमने यहां सूत्र लगाया ये आंसर आता है साइन इनवर्स 56 बटे 65। अब हमारे पास अगला जो गुणधर्म आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स के लिए। अभी हमने जो सूत्र देखा था वो साइन इनवर्स का सूत्र देखा तो अब हम देख लेते हैं कॉस इनवर्स का सूत्र क्या होगा। कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को आप क्या लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर। याद रखें यहां पे प्लस वाले सूत्र में यहां माइनस आएगा जैसा कि कॉस ए प्लस कॉस बी में आता है। कॉस ए प्लस बी वाले सूत्र में भी यही होता है कि प्लस वाले में माइनस आता है बिल्कुल वैसा ही यहां बनेगा। और क्यों बनेगा ये अभी हम देखते हैं। इससे पहले हम एक इसके साथ और सूत्र देख लेंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है। यह होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर। और अब ये दोनों सूत्र किस तरीके से आते हैं वो देखते हैं हम। कि यहां हम ले लेते हैं माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर है ए के और कॉस इनवर्स वाई बराबर है बी के। और जैसा कि हमें पता है कि चूंकि कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब हम इस सूत्र से अगर खोले यहां पर तो यहां हमें क्या मिलेगा कि cos a की जगह पर हम लिख सकते हैं x, cos b की जगह पर हम लिख सकते हैं y, माइनस sin a की जगह हमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट एक माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अंडर रूट एक माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे साइन की जगह अगर हम कॉस बनाएंगे तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट एक माइनस कॉस स्क्वायर है और कॉस की जगह पर हमने लिख दिया x तो ये हो गया अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं ये भी इधर कॉस है इधर नहीं है हम दोनों तरफ अगर कॉस इनवर्स ले लेंगे तो क्या होगा इधर से कॉस खत्म हो जाएगा और यहां कॉस इनवर्स लगा हुआ रहेगा। तो अब जो आगे हमें मिलेगा वो है कि ए प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर। यहां से ए की जगह हम रखते हैं कॉस इनवर्स एक्स बी की जगह रखते हैं कॉस इनवर्स वाई और बाकी ये सूत्र है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास सूत्र होंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए। अब हम इस वाले गुणधर्म के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं कॉस इनवर्स के सूत्र पर आधारित। यह प्रश्न कहता है कि कॉस इनवर्स 4 बटे 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 बटे 13 सिद्ध करना है हमें इसे बराबर कॉस इनवर्स 33 बटे 65 के। कॉस इनवर्स 33 बटे 65 यह हमें सिद्ध करना है।
तो ये आ रहा है कॉस इनवर्स 4 बटे 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 बटे 13, इसको हम ले लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो यहां पर हम लिखते हैं कि सूत्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो अगर हम ये सूत्र यहां पर लगाएं तो हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 4 बटे 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 बटे 13 बराबर कॉस इनवर्स एक्स और वाई की जगह पर हम लेंगे 4 बटे 5 और 12 बटे 13 माइनस अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस एक्स की जगह पर हम ले लेते हैं 4 बटे 5 का स्क्वायर अंडर रूट एक माइनस वाई, वाई की जगह पर है 12 बटे 13, ये हो गया 12 बटे 13 का स्क्वायर। यह हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 48 बटे 65 माइनस, इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये 4 बटे 5 आ रहा है यानी कि ये हो जाएगा 16 और ये है 25 लघुत्तम में आएगा 25 माइनस 16 9, तो ये बच जाएगा हमारे पास 3 बटे 5 गुणा यहां पर आ जाएगा हमारे पास 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 144 बचेगा 25, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13, ये 5 से ये 5 गया। यहां पे भी 65 जो है वो लघुत्तम आ रहा है, 65 लघुत्तम आएगा तो 48 माइनस 15 33, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 33 बटे 65 बराबर राइट हैंड साइड, यह हमें लेकर आना था यहां पर। तो हमने इस बार लगाया कॉस इनवर्स के लिए सूत्र भी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स वन एक माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक माइनस वाई स्क्वायर। अब हम अगला सूत्र देखते हैं साइन इनवर्स के लिए, यह सूत्र कहता है कि दो साइन इनवर्स एक्स यानी कि साइन का प्रतिलोम फलन, यह बराबर है साइन इनवर्स 2x गुणा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से एक सूत्र और है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के, तो ये वाले सूत्र किस प्रकार से सिद्ध किए जा सकते हैं देखते हैं। तो हम पहले इस सूत्र के लिए देखेंगे दो साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, कि चूंकि हमें पता है कि साइन 2 थीटा, या पहले हम ये लिखें कि यहां पे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को थीटा, अब लिखिए कि चूंकि हम लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, यह हम लिख सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2, अब इस साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x, तो अभी रुकते हैं, अभी इसको साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही रहने दें, और जैसा कि हमें यहां कॉस के लिए कोई मान नहीं है तो इस कॉस को भी बदल दीजिए, तो इस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर है 2, इस साइन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे x, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर है थीटा के, तो साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं x और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा की जगह पर फिर x, तो ये हो गया 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें, इस समीकरण के दोनों तरफ अगर हम साइन इनवर्स ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और थीटा का मान जैसा कि हमें पता है थीटा हमने मान रखा है 2 साइन इनवर्स एक्स है ये थीटा की जगह पर, तो यह आ गया साइन इनवर्स 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हमारे पास ये वाला सूत्र सिद्ध होता है। और फिर ये जो अगला 3 साइन इनवर्स एक्स वाला सूत्र है, इस 3 साइन इनवर्स एक्स वाले सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम साइन 3 एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमें साइन 3 एक्स का सूत्र भी पता है, तो हम उस साइन 3 एक्स वाले सूत्र की सहायता से ये वाला सूत्र भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अब ये दो सूत्र हम याद रखें कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3 एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब के। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि मान ज्ञात करो और हमें यह मान किसका ज्ञात करना है, यह है साइन 2 साइन इनवर्स 0.6, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे कि चूंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स या 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ये सूत्र होता है। तो यहां पर हमें दिख रहा है अंदर कि 2 साइन इनवर्स x की जगह पर है 0.6, तो हम यहां लगा देते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं कि साइन, फिर इस 2 साइन इनवर्स x की जगह पर हम लिखते हैं साइन इनवर्स 2x, 2 x की जगह पर है 0.6, तो 2 गुणा 0.6 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का वर्ग। साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम फलन, और एक दूसरे के प्रतिलोम फलन जब हम इस तरीके से लेते हैं कोण में तो ये खत्म हो जाते हैं, और हम लिख सकेंगे यहां पर 2 गुणा 0.6 गुणा अंडर रूट 1 माइनस 0.36। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 0.96। ये हमारे पास हुआ साइन 2 साइन इनवर्स 0.6 का मान।